नमस्कार, ये च्यवनप्राश है। आप किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले हजारों सालों से च्यवनप्राश का इस्तेमाल करके इसका लाभ उठाया जा रहा है। एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। च्यवन नाम के ऋषि पहले हुआ करते थे। पहले वो जब बुढ़ापे की अवस्था में आ गए और कमज़ोर हो पड़ गया उनका शरीर, तब उन्होंने अश्विनी कुमारों से आग्रह किया कि हे भगवान, आप कुछ ऐसी औषधि का निर्माण कीजिए जिसे बूढ़े खा के फिर से जवान हो जाएं और बच्चे और जवान इसका इस्तेमाल करके हमेशा निरोग रह सकें। तब अश्विनी कुमारों ने च्यवन नाम के जो ऋषियों की आग्रह पर इस औषधि का निर्माण किया, और इसके निर्माण करने के बाद उन्होंने च्यवन ऋषियों को इस्तेमाल करने के लिए कहा। च्यवन नाम के जब ऋषियों ने इसका इस्तेमाल किया तो बूढ़े से फिर से जवान हो गए। तब से इसका नाम एक रसायन के रूप में च्यवन प्राश रखा गया, और तब से इसका नाम वही चलता आ रहा है। और इसका सभी लोग सर्दियों में, गर्मियों में, वैसे तो एक धारणा है कि जी च्यवनप्राश सर्दियों में ही खाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। च्यवनप्राश दो तरह का आता है। च्यवनप्राश आंवले, जो आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसके साइड में लिखा हुआ है च्यवनप्राश आंवले, एक इसी तो में आता है च्यवनप्राश स्पेशल। तो च्यवनप्राश जो आंवले है, ये आप सर्दी गर्मी कभी भी खा सकते हैं, और ये सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गर्मियों में कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये धारणा थोड़ी गलत है। एक जो च्यवनप्राश स्पेशल होता है, वो हम भी कहेंगे कि आप सर्दी सर्दी में इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है, उसमें जो गर्म औषधियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मगर च्यवनप्राश आंवले आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसका हमारे शरीर पे कितना प्रभाव पड़ता है, कितने लाभ हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। अब मैं आपको इसका उपयोग बता देता हूँ। इसका उपयोग गर्मियों में ठंडे दूध के साथ करना चाहिए, सर्दियों में गर्म दूध के साथ करना चाहिए। अब मैं इसकी मात्रा बता देता हूँ। 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए आधा चम्मच सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर 1 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह 5 साल से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, आधे चम्मच से 1 चम्मच तक सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 10 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को लिया जा सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए आधा चम्मच सुबह शाम बहुत है। सुबह शाम गर्म दूध के साथ या मौसम अनुसार, जैसे सर्दियों में बताया गया है कि गर्म दूध के साथ, गर्मियों में ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करें, उनके लिए काफ़ी है। एक च्यवनप्राश को खाने के बाद कई बार कई लोग मुझे ये कहते हैं कि जी च्यवनप्राश का हमें पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको एक बात और बता देता हूँ, वो कई बार कुछ गलतियाँ करते हैं, मैं समझा देता हूँ। च्यवनप्राश कई बीमारियों में खाली पेट बोला जाता है कि जी आप खाली पेट इस्तेमाल करिए, कई बीमारियों में खाना खाने के बाद बताया जाता है, कई बीमारी में एक दिन में एक बार बताया जाता है, कई बीमारी में एक दिन में दो बार बताया जाता है, और सब में एक ही बात ज़रूर बताई जाती है कि जी आप अगर च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं, च्यवनप्राश आपने खाया, तो 1 घंटे तक इसके बाद किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो ये बताऊँगा, जिनकी आवाज़ बैठी रहती है, आवाज़ ख़राब सी रहती है, गले में इन्फेक्शन बहुत तंग करता है, बार बार परेशान होते हैं गला बैठने से, जिसे हम स्वर भंग बोलते हैं, तो उनके लिए च्यवनप्राश सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसे लोग सिर्फ च्यवनप्राश को खाएं, ऊपर 1 घंटे तक कुछ ना लें। अगर 1 घंटे बाद पीना है तो गर्म पानी या गर्म दूध का इस्तेमाल करें। च्यवनप्राश बस खाली इस्तेमाल करना है आपने 1 दिन में 1 बार, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। जिन लोगों को हृदय रोग की शिकायत है, दोस्तों आज के समय में हृदय रोग की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करती है। हृदय रोग वालों के लिए क्या है, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि आजकल हम दूषित वातावरण में रहते हैं, और हमारा जंक फूड ज़्यादा होता है, तनाव भरा माहौल होता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और वो हमारी धमनियों में, नसों में जम के हृदय रोग बनाता है। तो उनके लिए कहूँगा कि सुबह खाली पेट आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दिल को ताकत देता है, दिल की नसों को ठीक करता है, और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, जिससे आपको हृदय रोग में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिन लोगों को खांसी जुकाम बार बार तंग करता है, या गले में, फेफड़ों में बार बार इन्फेक्शन, एलर्जी तंग करती है, यहाँ पे साइनस एलर्जी तंग करती है, छींके वगैरह बहुत तंग करती है, तो ये सब हम कहते हैं शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाने के कारण आपको परेशानियाँ होती हैं। बैक्टीरिया वायरस वगैरह बार बार तंग करता है, बार बार आप उससे
इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। तो आपके लिए सुबह शाम एक चम्मच, सुबह एक चम्मच शाम को गर्म दूध के साथ च्यवनप्राश इस्तेमाल करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ेगी। फेफड़े, फेफड़ों, ये जो श्वास नली है और ये जो यहाँ यहाँ कफ जम जाता है आपके, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी एलर्जी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एकदम तो नहीं, मगर धीरे धीरे आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले नंबर पर च्यवनप्राश आता है। दूसरे नंबर पर एक बात बता दूँ, इसके अंदर च्यवनप्राश के अंदर और औषधियों के साथ सबसे मेन होता है आंवला, जिसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, और अन्य औषधियाँ और आंवला मिलके इम्यून सिस्टम को बड़ी तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होने की वजह से और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को बढ़ाने वाली औषधियाँ होने की वजह से बहुत जल्दी हमारे शरीर पर प्रभाव दिखाता है और हमें निरोग करता है। जिन लोगों को फेफड़ों में दमे की एलर्जी तंग करती है या निमोनिया से परेशान रहते हैं, उनके लिए कहूँगा कि च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ समय लगातार इस्तेमाल करने से आपके दमा एलर्जी की शिकायत बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम भी जब अस्थमा का इलाज करते हैं तो साथ में उनको बोलते हैं जी च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें। च्यवनप्राश का जब वो इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जिन लोगों का शरीर बहुत कमज़ोर है, पतला है, ज़रा सा काम करते थकावट आ जाती है और चेहरा ऐसा लगता है जैसे बूढ़ों वाला चेहरा है, तो उनके लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली तो बढ़ती है, मगर शरीर में ताकत भी मिलती है। शरीर में आपका आलसपन जो होता है ना, वो कोसों दूर हो जाता है और हमेशा आप एक्टिव रहते हैं। जिन लोगों का मुँह बार बार सूखता है, प्यास बहुत लगती है, घबराहट बड़ी तंग करती है, उनको कहूँगा कि च्यवनप्राश सुबह शाम आपके लिए खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करने से प्यास की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को मानसिक तनाव तंग करता है, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हमेशा परेशान रहते हैं उनके लिए, या जिनको नींद नहीं आती, या जिनको पागलपन की शिकायत है, या दिमाग से संबंधित बीमारियां तंग करते, याददाश्त कमज़ोर है, उनके लिए सुबह शाम गाय के दूध के साथ भोजन के बाद एक चम्मच सुबह शाम च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दिमाग से संबंधित सभी बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। जिन लोगों की त्वचा हमेशा खुश्क रहती है, खारिश खुजली उनको तंग करती है, अब हमेशा परेशान रहते हैं, या मान लीजिए जिनको झाइयाँ झुरियाँ तंग करती है, उन लोगों को कहूँगा कि आपके लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, जो आपके त्वचा में नई जान सी भर देता है, इसमें चमक बना देता है, त्वचा हमेशा चमकती रहती है, इनमें नमी बनी रहती है और झुर्रियाँ झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपका चेहरा और शरीर हमेशा जवान दिखता है। हमारे शरीर में दोस्तों तीन दोष होते हैं जिसे हम वात, पित्त, कफ बोलते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां शरीर में जगह जगह उत्पन्न करते हैं, तो उस समय इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो तीनों दोषों को बिल्कुल संतुलन में रखता है। अगर आपका कोई एक या दो या तीन दोष बढ़ गया है, तो उन तीनों दोषों को बिल्कुल सुधार के बिल्कुल बिल्कुल संतुलन में बना के रखेगा, जिससे आप बिल्कुल निरोग रह सकें। तो यदि आपका पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपके लिए च्यवनप्राश आंवले बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक चम्मच सुबह शाम आप गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। जिन लोगों के दांत कमज़ोर हैं, शरीर की हड्डियां कमज़ोर हैं, उनको कहूँगा कि आपके लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे हड्डियां मजबूत होती है, दांत मजबूत रहते हैं और शरीर हमेशा मजबूत रहता है। जिन लोगों की मांसपेशियों में हमेशा अकड़ाहट रहती है, मांसपेशियाँ कमज़ोर है, तरह तरह के डब्बे खा के वो मांसपेशियों को ठीक रखते हैं या ताकत की दवाइयाँ खा के ठीक रखते हैं, उनके लिए कहूँगा कि आपके लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल सुबह शाम गर्म दूध के साथ करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और आप अगर इसका इस्तेमाल करते तो आपकी मांसपेशियों में हमेशा लचक बनी रहेगी और आपकी मांसपेशियाँ हमेशा मजबूत रहेगी, जिससे आपको कहीं भी मांसपेशियों में दर्द वगैरह, अकड़न वगैरह या मस्कुलर पेन वगैरह तंग नहीं करेगा। जिन लोगों को मूत्र दोष की समस्या बहुत तंग करती है, कि बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, दिन में पेशाब बार बार आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में रुकावट रहती है, तो उनके लिए च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे मूत्र संबंधी सभी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस केवल आपने करना क्या है, एक चम्मच च्यवनप्राश सुबह, एक चम्मच शाम को खाना खाने के बाद सिंपल इस्तेमाल करना है। उसके साथ किसी तरह का कुछ नहीं लेना है, बस सिंपल च्यवनप्राश आपने खाना है और एक घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो इसको इस्तेमाल करने से आपकी मूत्र संबंधी सभी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपके मसाने और गुर्दे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जिन लोगों को जगह जगह शरीर में घाव निकल जाते हैं, जिसे हम फोड़ा फुंसी कहते हैं, तो उनको कहूँगा कि आपके लिए
च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर रक्त शोधक गुण पाए जाते हैं और इसके लिए आप क्या करें, एक चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें, तो इससे आपके जगह जगह फोड़े फुंसी निकलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों का वज़न नहीं बढ़ता और वो तरह तरह की दवाइयाँ खा के परेशान हो चुके हैं, उनका वज़न बढ़ता ही नहीं, कैप्सूल गोलियाँ खा के परेशान हो चुके हैं, उनको कहूँगा आपके लिए एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना। च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इससे आपका वज़न बढ़ेगा और आपको किसी तरह से कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। जिन लोगों को वीर्य कम बनता है या वीर्य में शुक्राणु की मात्रा कम बनती है, उनको कहूँगा कि आपके लिए च्यवनप्राश काफ़ी फायदेमंद है। आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे ये बताता हूँ। एक चम्मच च्यवनप्राश लेना, एक चम्मच आपने शहद लेना है, दोनों को मिला के सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने से आपकी शुक्र संबंधित वीर्य से संबंधित सभी तकलीफें ठीक हो जाएंगी और वीर्य भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा, उसमें शुक्राणु भी अच्छी मात्रा में बनेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक काम नहीं कर रहा, पाचन तंत्र में आमाशय हो गया, लीवर हो गया, अंतड़ियां ठीक ढंग से खाने का पाचन नहीं कर रहा, उनको कहूँगा खाली पेट एक चम्मच च्यवनप्राश आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आपका पेट भी बिल्कुल साफ रहेगा, आपको कभी कब्ज की समस्या तंग नहीं करेगी और आपका आमाशय अंतड़ियों को ताकत मिलेगी और आपको भूख ठीक लगेगी, खाना ठीक पचेगा और आपको किसी तरह से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जिन लोगों को जगह जगह दर्दें तंग करती है, हड्डियों में सूजन तंग करती है, उनको कहते हैं कि जी आपका वात दोष बढ़ गया है, तो उनके लिए कहूँगा च्यवनप्राश सुबह शाम खाना खाने के बाद एक चम्मच गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने से आपके बाय की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैंने आपको च्यवनप्राश के इतने सारे फायदे बताए तो एक आधा नुकसान भी बताए। तो च्यवनप्राश का कोई खास नुकसान नहीं है, इसको अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो पेट में भारीपन या एक आधा दस्त लग जाता है, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। अगर ठीक मात्रा में लेते हैं तो कुछ नहीं होता। इसी तरह जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं या जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है, उनके पेट में भारीपन या एक आधा दस्त लगता है, तो और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, च्यवनप्राश कभी नुकसान नहीं करता है। इसी तरह जो शुगर वाले रोगी हैं, खास तौर पे आपके लिए मैं कहूँगा कि चाहे आप टाइप 2 वाले हैं चाहे टाइप 1 वाले शुगर वाले रोगी हैं, आप च्यवनप्राश इसका इस्तेमाल मत करें। च्यवनप्राश जो शुगर फ्री आता है आप उस च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें, ये च्यवनप्राश आपके लिए नुकसानदायक है, आपके शुगर लेवल को बढ़ा देगा, क्योंकि इसके अंदर मिश्री चीनी और शहद का इस्तेमाल होता है जो आपके शुगर लेवल को बढ़ा देगा। इसलिए शुगर वाले रोगी को खास तौर पे कहूँगा कि इस च्यवनप्राश का इस्तेमाल मत करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।